इन दिनों रीवा जिले में पुरानी रंजिश और विरोधियों को फंसाने के लिए तरह तरह की चालें चली जा रही हैं। हद तो यह हो गई है कि लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब स्वयं मासूम बेटे की मौत का ठीकरा ऐसे व्यक्ति पर फोड़ने का प्रयास किया जाता है जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं होता, और इसमें विरोधी एकत्र होकर पूरी साजिश रचते हैं। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले चतुर गौतम ने पुलिस अधीक्षक और एडीजी कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई है। आईजी कार्यालय पहुंचे चतुर गौतम ने बताया कि षड्यंत्र कर फर्जी अपराध पंजीबद्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। श्री गौतम ने बताया कि जामू में राजकुमार गौतम के खेत में जुताई के दौरान 9 वर्षीय किशोर की रोटावेटर में दबने से मौत हो गई थी। जिस रोटावेटर में मौत हुई थी उसको उसका पिता ही चला रहा था, जिसकी शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। लेकिन 15 दिसंबर को व्हाट्सएप, मोबाइल और कुछ सोशल मीडिया में षड्यंत्र कर उक्त ट्रैक्टर का चालक चतुर गौतम को बताया गया। जैसे ही उन्हें जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित झूठे मामले में फंसाने के पीछे अपने द्वारा पुरानी की गई घोटाले की शिकायत और चुनावी रंजिश को बताया है, जिसके चलते विरोधी बदला लेने के लिए इतना घृणित कार्य कर रहे हैं कि एक मासूम की मौत का ठीकरा विरोधी के सिर पर फोड़कर फंसाने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं आईजी कार्यालय पहुंचे चतुर गौतम ने किस तरह के आरोप लगाए हैं और साजिश रचने वालों की काली करतूतों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी है। पूरे मामले में चाहिए कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे आगे इस तरह के घृणित कार्य करने की हिम्मत किसी में ना हो। गौतम है और मैं गृह ग्राम जामू का रहने वाला हूँ। मेरा थाना बैकुंठपुर लगता है और मैं मन से दुखी हूँ। हमारे गाँव में 13-12 को एक नवजात शिशु 9 साल का था, जो रोटावेटर ट्रैक्टर में जिसकी मृत्यु हो गई, उसमें आत्मा को पहले तो मैं श्रद्धांजलि दूंगा। और बड़ी दुखित घटना घटी, लेकिन ये 15 तारीख को मोबाइल व्हाट्सएप से मुझे जानकारी हुई कि वह ट्रैक्टर चतुर प्रसाद गौतम चला रहे थे जिस उस बालक की मृत्यु हुई। जबकि सत्यता ये है कि ना तो मैं ट्रैक्टर चला रहा था, ना वह मेरा खेत ही था। खेत था राजकुमार गौतम का और बाबूलाल उसका जो बाप है, मृतक का पिता ही चला रहा था, और उसके चलाते समय दुर्घटना घटी। 15 तारीख को हमारे यहाँ एक विमलेन त्रिपाठी ठेकेदार थे, संविदाकार, और हमारे गांव को बारीकी से जानते हैं और हमारे गांव के लगभग लोगों को वो जानते हैं। जब उनको मालूम हुआ कि एक वहाँ घटना होती है, और घटना जैसे उनको मालूम हुआ कि हुई ट्रैक्टर से हुई, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में पंचराज प्रजापति, शैलेन सिंह और विमलेन त्रिपाठी मृतक के पिता को लालच दिए, और लालच दे करके उन लोगों को सबको ले आ करके अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि चतुर प्रसाद गौतम ट्रैक्टर चला रहे थे और उनके चलाने के दौरान मृत्यु हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल है क्या कि जिनका खेत है उनका नाम है राजकुमार, घटना स्थल राजकुमार और उनका लड़का सत्येंद्र, ट्रैक्टर चालक बाबूलाल और उसका नवजात शिशु 9 साल का, और लगभग 7 बजे रहे होंगे जब यह दुर्घटना घटी। वह रिपोर्ट करने जाते हैं, रिपोर्ट हो जाती है, दाह संस्कार पोस्टमार्टम होता है, दाह उनका क्रियाकर्म हो जाता है। तीसरे दिन एकाएक उनको लेकर एसपी के पास लाया जाता है और यह कहा जाता है कि चतुर गौतम ट्रैक्टर चला रहे थे। अब यह षड्यंत्र रचने का काम कौन किया? विमलेन त्रिपाठी, और विमलेन त्रिपाठी, पंचराज प्रजापति और शैलेन्द्र। पंचराज प्रजापति क्यों रंजिश रखता है? क्योंकि उसकी बहू और मेरी पत्नी सरपंच की चुनाव लड़ी हुई थी, और शैलेन्द्र सिंह की भाभी उमा सिंह भी चुनाव लड़ी हुई थी, तो एक राजनीतिक दुश्मनी थी। दूसरा, जो शैलेन्द्र सिंह उनकी भाभी के ऊपर मेरे द्वारा चेक बाउंस का प्रकरण माननीय न्यायालय में रखा गया है, जो विचाराधीन है। और जो हमारे मैं बता रहा हूँ, और विराट वसुंधरा न्यूज 24 एक यूट्यूब चैनल चलता है, मेरे पास है, और मैं कहें तो आपको उसको सुना भी दूँ। दरअसल स्टार्ट ये हुई कि मेरे यहाँ इन्होंने काला नाली का निर्माण किया था, जिसमें लगभग 4 करोड़ का इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, और मैं अथक प्रयास करता रहा, जिसमें अभी लेटेस्ट में हमको जो जानकारी दी गई है सरकार के द्वारा कि वाणिज्य कर 15 लाख रुपए की वसूली, अभी खनिज कर और इनकम टैक्स
इसका अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी एक की जानकारी मिली है जो वाणिज्यकर है। वाणिज्यकर इनके ऊपर 15 लाख रुपए की रिकवरी बनाई गई है, जो कि इनके बैंक खाते से 76,000 महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से वसूल किए जा चुके हैं। बाकी इनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी एकत्र की जा रही है, ऐसा लेख जानकारी उनको सरकार ने दी है। अब ये क्या है कि ये खिसियाई बिल्ली वाली बात है कि ये जहां भी पाते हैं, जहां भी पाएंगे, इसके पहले भी मेरे खिलाफ इनके द्वारा फर्जी अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। जिस नाली तोड़ने का आरोप है विमलेश त्रिपाठी ने लगवाया था, वो नाली दरअसल बनी हुई नहीं थी, उसका भी सबूत मेरे पास है, कहिए मैं आपको उसका भी आपको सबूत दूंगा। इस तरीके से ये षड्यंत्रकारी है। मेरी मांग ये है पुलिस विभाग से कि बाबूलाल कोल का लाइबली डेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे यह पता लगे कि इस षड्यंत्र में मुझे बदनाम करने में ये कौन से लोग हैं, और इस बदनामी से इस तरीके के आवाज से मेरी छवि खराब हुई है, मैं मानसिक पीड़ा से ग्रसित हूँ, इसकी निष्पक्ष जांच हो और बाबूलाल मृतक के पिता का जो है तीनों टेस्ट कराए जाएं, जो भी सरकार का व्यय होगा वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी विमलेश त्रिपाठी मेरे गांव में कारा नाली का निर्माण का काम करता था। ये बताइए ज्ञापन कहाँ दे रहे हैं? मैंने SP महोदय को भी दिया है और मैंने IG महोदय को भी दिया है और कल मैं थाना प्रभारी बैकुंठपुर को भी दिया हूँ कि झूठी खबर फैलाने वालों के विरुद्ध आप कार्रवाई कीजिए। ये विमलेश त्रिपाठी ये है विराट वसुंधरा न्यूज 24।